इस वीडियो में बताने जा रही हूँ ओल का स्वादिष्ट और बेहतरीन रायता कैसे बनाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दें, ओल को सेलेक्ट कर लें। देखिए रायता बनाने के लिए ओल लिए हैं, ओल को छील के छोटा छोटा टुकड़ा इस तरह से काट लेना है। उसके बाद देखिए कद्दूकस करेंगे इस तरह से। इसमें जो है पानी दे दीजिएगा, ये चिपकेगा नहीं, अच्छा रहेगा, फ्रेश एकदम। ये जो है इसको कद्दूकस जो किए हैं इसको पानी से धो के इस तरह से चलने पे छाप लेंगे। एक टोकना लेंगे, इसे गैस पे चढ़ा देंगे। इसमें जो है एक गिलास पानी देना है। अब देखिए पानी जो है उबल गया है, अब ये जो कद्दूकस किए हुए थे ओल को इसे गिरा देना है। इसको जो है 2 मिनट तक उबलने के लिए देना है ताकि ये सीज जाए। उबलने वक्त ही हल्दी देना है ताकि इसका टेस्ट जो है कलर एकदम अच्छा आ जाए। जो है इसको थोड़ा देर के लिए ढक देते हैं ताकि पूरा पक जाए। अब जो है लिखिए पक गया है इस तरह से, देखिए ये देखिए पक गया है एकदम। इससे ज्यादा इसको पकाना भी नहीं है। अब जो है गैस बंद कर देंगे। अब देखिए ये थोड़ा ठंडा हो गया है, इसको जो है चलने पे छाप लेंगे। इसको जो है पूरी तरह से ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट तक। इसको जो है पूरी तरह से ठंडा होने के लिए देना है, नहीं तो इसमें दही डालिएगा तो ये तीतापन आ जाएगा इसमें। अब जो है देखिए इसको जो उबाले थे ओल का कद्दूकस वो ठंडा गया है। अब इसमें जो है आदी और हरी मिर्ची जो है काट लिए हैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में, उसको इसमें दे देना है। नमक जो है स्वादानुसार दीजिए। राई लिए हैं, या जो राई जो है पिसा हुआ है 1.5 चम्मच जो है राई देना है। दही है, दही आपको 4-5 चम्मच दे देना है। इसको जो है इस तरह से मिलाना है, मिक्स किए हैं। अब इसमें जो है तेल डालेंगे, देखिए इसमें जो है तेल देना है, 1 स्पून के बराबर दे देना है तेल है। देखिए यह ओल का स्वादिष्ट और लजीज रायता बन के तैयार है, आप इसे खाना में परोस सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि यह वीडियो कैसा